दिवाली से पहले यानी छोटी दिवाली की रात। रात को मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं था, लेकिन हमें इंतजार था शव साधना करने वाले तांत्रिक का। थोड़ी ही देर में हमें दूर से एक कार आती दिखाई दी। पंडित से मिलने भी आया है, पंडित से मिलने भी आया, बाबा से भी मिलता है। शमशान में कार और अच्छे खासे घरों के ये भक्त देखकर हमें भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन ये जानना जरूरी था कि ये लोग यहाँ क्यों आए। मेरी 7.5 साल की पोती है जो कि DPS में पढ़ती है, और अचानक पता चला कि उसको 4th stage कैंसर है, लिम्फोमा। तांत्रिक का हमारा इंतजार जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन आगे सब कुछ आसान नहीं था। क्या बात है पंडित जी, जाओ आपका काम नहीं है, चलो चलो आपका काम नहीं है, चलो। महाराज जी एक मिनट, महाराज जी हम लोग मिलना चाहते थे, हम लोग साधना के लिए देखने के लिए आए। अरे ये शमशान है, रात की पूजाएं होती हैं इसमें, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई साधनाओं का खेल है। नहीं तो हम लोग एक मिनट के लिए आपको मिलना चाहते हैं। ये साधनाएं होती हैं, फिर बताया ना बार बार। हम लोग पंडित जी सुबह से यहाँ पे आप ही का इंतजार कर रहे हैं, सुबह से हम लोग आप ही की वजह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, मतलब साधना हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तुम्हें किसने बताया? हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग भी दिल्ली से आए थे इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए, तो अगर आप ठीक है शोर नहीं चाहो जाओ उधर बैठ जाओ, हम आ सकते हैं। हाँ जाओ उधर बैठ के देखो आराम से। चलो चलो चलो। साधना देखने की इजाजत तो हमें मिल गई, लेकिन हम इस शख्स की एक एक गतिविधि पर नजर रखना चाहते थे, और फिर जैसे ही ये तांत्रिक अंधेरे में गुम हुए तो हम भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तुम फिर पीछा नहीं छोड़ रहे? नहीं, हम देखने आए थे पंडित जी क्या कर रहे हैं आप। हम नहा रहे हैं, ये पूजा होती है, मैंने कहा ना आप वहाँ बैठ जाओ, जो दिखाएंगे वो प्रक्रिया वहाँ बता देंगे आपको, अब आप वहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। स्नान आप कर रहे थे उसको हम देखना। स्नान पहले देखा नहीं कभी, आप नहीं नहाते रात को 12 बजे आप स्नान कर रहे हैं। तांत्रिक की शुरुआती नाराजगी के बाद माहौल एकदम ठीक था। उस रात शमशान में साधना तो हुई, लेकिन ये शव साधना नहीं थी। पहले एक साधना दिल्ली से आए इन भक्तों के लिए की गई, और फिर 2 घंटे बाद वो तांत्रिक अपनी साधना में डूब गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा थी शव साधना देखने की। हमने सुना है कि आप शव साधना भी करते हैं। हाँ शव साधना करते हैं, मगर वो विधियाँ गुप्त है। वो शव साधना से मोक्ष का और कई प्रकार के कामों की प्राप्ति होती है। शव की साधना आप कैसे करते हैं? शव की साधना के लिए शव होना चाहिए, और उसके ऊपर बैठ के डिपेंड करता है कि उसके अंदर, ये भी निर्भर करता है कि शव की आयु क्या है, कितनी देर का है, वो सारा निर्भर करता, तब उसके ऊपर कई प्रकार की विधियाँ और कई विधियों से उसकी साधना की जाती है, वही ईश को यानी कि शिव को साधा जाता है। तो क्या आप हमको आज शव की साधना करके दिखाएंगे? शव लाओ जी, शव लाओ, शव लेके आओ। तो क्या आपके पास शव नहीं है? वो हमारे स्त्रोत है, और जिस दिन हमें साधना होती है उसके लिए हमें कुछ दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, कुछ सामान एकत्रित करना पड़ता है, फिर हम साधना करते हैं उसका, और वो एकांत में साधनाएं होती हैं, किसी को बताया नहीं जाता। नहीं, आप ये कहते हैं कि आप शव साधना करते हैं, अगर आप शव साधना करते हैं तो आप शव साधना के हमें नहीं दिखा सकते? शव साधना क्या देखोगे, किसी पार्श्विक शक्ति को यहाँ नहीं देख सकते आप? अभी आपको मैं प्रेत दिखाऊं तो आप उठ के भाग लोगे यहाँ से, और शव साधना के अंदर जब जब हर हर करता हुआ खड़ा होता है तो आप यहाँ खड़े हो जाओगे, या कैमरे कुमरे सब छोड़ के भाग जाओगे, यहाँ बेहोश हो जाओगे सारे, तो मैं तुम्हारे को कौन संभालेगा इस भयानक जंगल में। इस साधना के बीच में ही मौसम और खराब हो गया। तांत्रिक के पास ही एक दूसरे आंगन में अघोरी अपनी ही दुनिया में मस्त थे। थोड़ी ही देर में जबरदस्त बारिश शुरू हो गई, और हम सब लोग चले आए पवन ओघड़नाथ की कुटिया में। दिवाली से पहले बारिश, इस बात पर कुटिया में सभी हैरान थे। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, और पास ही बह रही गंगा नदी का पानी भी बढ़ता जा रहा था। मौसम के इस बदले मिजाज से हमें अगली रात यानी दिवाली की रात इस शमशान में होने वाली साधना पर खलल पड़ जाने की आशंका भी नजर आने लगी, लेकिन अघोरी साधु एकदम निश्चिंत थे और शव की साधना से जुड़ी प्रक्रिया हमें बता रहे थे।
ओम नमः क्लिंग 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 चंडी के चमुंडे बिछे नमा फट स्वा मरा हुआ मुर्दा जिंदा बन जाएगा इस मंत्र से। बस इन्हें टांगना, थोड़ा दारू पिलाना, थोड़ा हवन करता रहना, जिंदा बन। किसको दारू पिलाना? मुर्दा को, जिसको सुलाया है। मुर्दा गाढ़ा हुआ है ना, मुर्दा मुर्दा को जला है ना, गाढ़ा हुआ है, इनको उठाए इसे सुला दिया, इनको थोड़ा दारू पिलाओ, इधर थोड़ा हवन करो। तो बोला हाँ, ऐसे 8 बार ये मंत्र को जाप करना पड़ेगा। बारिश थमने के इंतजार में इस कुटिया में हम रात के 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन जब कुटिया के पास की जमीन को गंगा नदी तेजी से काटने लगी तो वहां और बैठे रहना खतरे से खाली नहीं था, और हम इस उम्मीद के साथ कुटिया से चल पड़े कि कल तक यहां सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन यानी दिवाली के दिन 2 बजे जब हम पहुंचे तो यहाँ न वो कुटिया थी और न वो शमशान, जहाँ हम 3 दिन और 3 रात तक एक अलग ही दुनिया में रहे। गंगा नदी कुछ ही घंटों में अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में हमें अघोरी साधु भी नजर आ गए। एक ही रात में इन साधुओं का सब कुछ बह चुका था, लेकिन इनके चेहरों पर कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। मानो कह रहे हो, हम क्या लाए थे जो हमसे छिन गया। दिवाली की रात इस शमशान में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अघोरी साधुओं के अपने रहने का ही कोई ठिकाना नहीं था। बहरहाल शमशान का हमारा ये सफर अब यहीं खत्म होता है, लेकिन हमें लगता है कि इन अघोरी साधुओं के जीवन के कई पहलू अभी अछूते हैं, और आज हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इन सभी पहलुओं पर हम आपको एक कार्यक्रम ज़रूर दिखाएंगे। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक निवेदन हम आपसे फिर करेंगे। अगर आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हों जिनका नज़रिया भीड़ से हटकर हो तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है एक और नज़रिया, जी इंडिया TV, पोस्ट बॉक्स नंबर 3, नई दिल्ली 110001, भारत TVC।